नमस्कार दोस्तों, मराठा साम्राज्य YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन इतिहास के पन्नों में अपरिचित रहे ऐसे मराठा राजा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उनका नाम है लखुजी राजे जाधवराव। लखुजी राजे जाधवराव यह छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ यानी राजमाता जीजाबाई के पिताजी थे और उसके साथ साथ वह देवगिरी के यादव साम्राज्य के सीधे वंशज थे। लखुजी राजे जाधवराव यह देवगिरी के यादव मराठा वंश के आखिरी शासक रामचंद्र यादव के आठवें सीधे वंशज थे। लखुजी राजे जाधवराव जी के पिताजी का नाम विट्ठल देव और माता का नाम ठाकराई देवी था। लखुजी राजे जाधवराव का जन्म ईस्वी 1550 में हुआ। लखुजी राजे जाधवराव को तीन पत्नियां थी जिनका नाम महालसाबाई, भागीरथीबाई और यमुनाबाई था और उनको चार पुत्र दत्ताजी राजे, अचलोजी राजे, बहादुरजी राजे और रघुजी राजे थे और एक कन्या यानी राजमाता जिजामाता थी। लखुजी राजे महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत के यानी आज के बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ राजा के वतनदार थे। उसी के साथ साथ वह दखन की निजामशाही में सरदार के पद पर आसीन थे। देवगिरी का अजिंक्य किला जिसे कोई जीत नहीं पाता था उसे लखुजी राजे ने अपनी वीरता और चतुराई से निजामशाही को जीत के दिया। लखुजी राजे ने अपने दामाद शाहजी राजे भोसले जी के साथ मिलकर हमेशा ही मराठों का स्वतंत्र राज्य खड़ा करने की कोशिश की जिसके चलते निजामों को यह खतरा महसूस होता था, इसलिए उन्होंने जाधवराव और भोसले घराने में झगड़ा लगाने का बहुत प्रयास किया। एक बार राजे भोसले घराने के सरदार खंडागले का एक हाथी बहक गया और वह लोगों को कुचल देते हुए दौड़ने लगा। तब लोगों की रक्षा के लिए लखुजी राजे के ज्येष्ठ पुत्र दत्ताजी राजे ने हाथी के साथ युद्ध किया और उसकी सूंड काट दी। तब अपने हाथी की रक्षा करने के लिए शाहजी राजे के चचेरे भाई संभाजी राजे ने दत्ताजी राजे के साथ युद्ध किया जिसमें संभाजी राजे के हाथों दत्ताजी राजे मारे गए। यह बात जब दत्ताजी राजे के पिता लखुशी राजे को पता चली तब उन्होंने गुस्से में आकर संभाजी राजे से युद्ध करके उनको मार दिया। इस प्रकार दोनों मराठा राजघरानों में कुछ समय तक दुश्मनी हो गई, जिसका फायदा उठाकर एक बार निजाम शाह ने लखुजी राजे को अपने पुत्रों के साथ देवगिरी में मिलने बुलाया और वहां पर धोखे से उनको कैद करने की कोशिश की। वहां पर युद्ध हुआ जिसमें लखुजी राजे, उनके दो पुत्र अचलोजी राजे और रघुजी राजे और पोते यशवंत राजे ने 25 से 30 मुल्लों को मौत के घाट उतारा, लेकिन बाद में धोखे से इनकी हत्या की गई। लेकिन बाद में लखुजी राजे के पोते यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य खड़ा करके अपने नानाजी का सपना पूरा किया। लखुजी राजे को चार पुत्र थे और उनके वंशज आज अनेकों शाखाओं में महाराष्ट्र में बटे हैं। सिंदखेड़ राजा में देउलगांव राजा, आड़गांव राजा, उमरक देशमुख, किनगांव राजा, मेहुना राजा, जवलखे और बाकी बारामती, सातारा, पुणे, जालना इन जैसे महाराष्ट्र के जिलों में भी उनके वंशज विद्यमान हैं।